Mr. Gandhi, welcome to Stanford. साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सवाल जवाब में। आज का सवाल पूछा है दीपिका ने पूछा है कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी जी और पूरी भाजपा परेशान क्यों है। देखिए, सच तो यह है कि राहुल गांधी एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उनके परिवार को हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। राहुल गांधी के पास अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू की तरह बुद्धिमता है। उनके पास इंदिरा गांधी उनकी दादी की तरह मजबूत इरादे हैं और अपने पिताजी राजीव गांधी की तरह वो भोले भाले हैं और उनकी तरह एक सच्चे राजनेता हैं। राहुल गांधी की बातों में ईमानदारी झलकती है। राहुल गांधी के आचार व्यवहार से उनकी छवि एक जेंटलमैन की प्रतीत होती है। राहुल गांधी ने सारे विरोधों के बावजूद, चाहे वो मीडिया की नेगेटिव पब्लिसिटी हो, चाहे वो मोदी जी द्वारा उनकी मां को और उनके ऊपर निचले स्तर की टिप्पणी हो, ईडी का केस हो, मानहानि का केस हो, सजा हो, चाहे संसद सदस्यता रद्द होने जैसी यातनाएं झेली हों, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी छवि अपनी मेहनत से खड़ी करी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी की छवि एक गैर जिम्मेदार, आवारा, कमकल और बिगड़ेल राजकुमार की बनाई गई थी और सोशल मीडिया और दलाल मीडिया के प्रचार प्रसार के माध्यम से भाजपा समाज के एक बड़े तबके को समझाने में कामयाब भी हो गई थी। चूँकि राहुल गांधी की छवि झूठ पर निर्मित थी, इसलिए झूठ कब तक टिकता और टिका भी नहीं। राहुल गांधी ने अपनी बुद्धिमता और देश और समाज के विषय में अपनी गहरी समझ के कारण पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान बना ली है। आज विश्व में हर कोई उनकी बातों को सुनना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है और यही कारण है कि भाजपा राहुल गांधी को मोदी जी के लिए खतरा मान रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता में रोड़े डालना चाहती है। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. राहुल गांधी को अमेरिका में 3 दिन हो गए हैं। सैन फ्रांसिस्को में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी जी पर तंज कसा कि मोदी जी सर्वज्ञाता हैं, वो भगवान को भी समझा सकते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और भगवान भी सोचता होगा कि ये मैंने किसकी रचना कर दी। ऐसे नमूने हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? भाजपा ने पिछले 10 सालों में जिस तरह से राहुल, उनकी मां सोनिया गांधी, उनके परनाना नेहरू, उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके परिवार का चरित्र हनन किया है, उससे भाजपा को पूरा देश कभी माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को नमूना बोलकर उनके भविष्य के आक्रामक नजरिए का आभास दे दिया है। और क्यों ना हो, अगर तुमको और तुम्हारे परिवार को कोई भला बुरा कहेगा तो तुम उसको छोड़ोगे क्या? ये राहुल गांधी का आत्मज्ञान ही था, उनका हौसला ही था, उनकी शिक्षा दीक्षा ही थी कि उन्होंने संयम बनाए रखा और सही वक्त आने का इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जैसी कठिन और अकल्पनीय पद यात्रा की। उससे उन्होंने देश को समझा और उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों ने राहुल गांधी के मूल चरित्र को देखा। मीडिया ने तो इस यात्रा को बिल्कुल नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप में प्रतिभा है
तो वो तो लोगों के सामने आएगी। जरूरत है सिर्फ हौसला बनाए रखने की। राहुल गांधी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में छात्रों को संबोधित किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 20 नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर हैं। ठीक सुना आपने, 20 नोबेल लॉरियट्स। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 122 साल पुराने नोबेल पुरस्कार सिर्फ 11 हिंदुस्तानियों को ही अभी तक दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी को विश्व में एक बुद्धिजीवी के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने वॉशिंगटन DC में नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की। नेशनल प्रेस क्लब एक प्रतिष्ठित प्रेस क्लब है। इससे पहले यहाँ पर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने और राजीव गांधी ने भी प्रेस वार्ता की है। What we see on the ground is massive unemployment and dramatic increase in prices. And one of the reasons we won the Karnataka election was that there was a feeling in India that there is a set of people who have a huge amount of wealth, and then there's a large mass of Indian people who are poor and struggling. Rahul Gandhi ne ek ghante ki press vaarta ke duran har vishay par baat cheet ki, har prashn ka sateek jawab diya. Jab aap ye press vaarta sunenge तो आप समझ जाएंगे कि भाजपा ने राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद किए। राहुल गांधी की बात तो हमने कर ली, अब मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी की एक झूठी छवि गढ़ी गई, और झूठी छवि कब तक रहती। पोल खुलने लगी और पोल खुलते ही जा रही है। सारे बाबाओं, सारे पूंजीपति, पूरा मीडिया और सारे संवैधानिक संस्थान उनके साथ होने के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही है। पिछले 9 साल में मोदी जी एक भी प्रेस वार्ता नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब हैं ही नहीं और न ही उनमें ये काबिलियत है। इस बीच जरूर उन्होंने कुछ चाटुकारों को बुलाकर एक स्क्रिप्टेड सवाल जवाब का सेशन जरूर कर लिया और उसको मीडिया ने दिखाया भी खूब। किसी फोरम पर जाकर लोगों के साथ वार्तालाप करते हुए देखा है आपने मोदी जी को? टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी दो शब्द नहीं बोल पाते। अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो हकलाने लगते हैं। मोदी जी भाड़े के ठल्लू बुलाकर देश विदेश में इवेंट कर सकते हैं, अपनी नाकामी को चकाचौंध के पीछे छुपा सकते हैं। सिर्फ एक्टिंग, रोना धोना, झूठ और अपने आप को पीड़ित बताना ही उनका शगल है। पूंजीपति दोस्तों, कैपिटलिस्ट मीडिया और चाटुकारों ने मिलकर प्रोपोगंडा करके देश में एक प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, जिस पर अशिक्षित होने, झूठ बोलने, देश में नफरत फैलाने और देश की संपत्तियों को पूंजीपतियों को बेचने का आरोप है। उन पर हत्यारों को, बलात्कारियों को और बाहुबलियों को बचाने का भी आरोप है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन DC जाकर विदेशी पत्रकारों के सवालों का सामना कर सकते हैं, या स्टैनफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी उनको बुलाएगी? आपका प्रधानमंत्री आपका अभिमान होना चाहिए। राहुल गांधी के अनुसार कहें तो नमूना नहीं। नमस्कार।